सुखे भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से जो डिवोटी म्यूट नहीं है म्यूट कर लीजिए। कृष्ण लाल जी म्यूट होता है, जो आपका माइक है ना म्यूट कर देना, बंद कर देना है, बाहर आवाज आता है नहीं तो। ठीक है, म्यूट कर दीजिए। वेरी गुड। तो हम सब प्रथम अध्याय का, प्रथम स्कंद का दूसरे अध्याय का श्लोक क्रमांक, हम सब आठवां पढ़ने वाले हैं। सात कल हो गया था। ठीक है, प्रभुपाद जी को प्रार्थना कर लेते हैं। प्रणाम प्रभु जी। ओम ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक आठ पे हम सब हैं। छठा और सातवां हमने देखा कि कैसे भक्ति जो है, भक्ति योग हमें करना चाहिए कलयुग में। अन्य योग जो है बड़े ही मुश्किल हैं और उन्हें प्राप्त करना बड़ा ही कठिन कार्य है कलयुग में। और भक्ति करने से वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। ज्ञान और वैराग्य अपने आप जो है आपको बाय प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। तो आठवां श्लोक हम सब ले रहे हैं। धर्म असनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेना कथा सुयः नोत्पादयेदधीर्तिम श्रम एव हि केवलम्। द ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज अ मैन परफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन पोजिशन आर ओनली सो मच यूजलेस लेबर इफ दे डू नॉट प्रोवोक अट्रैक्शन फॉर द मैसेज ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे कार्य से, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, इन कार्यों से, कार्य कौन से, धर्म धर्म हाँ स्वनुष्ठिता पुंसाम, यानी धार्मिक कार्य। मैंने पिछली बार भी आपको समझाया, इस बार भी समझाता हूं। धार्मिक कार्य मतलब क्या, कौन बताएगा? यस ट्राई करिए। जब हम धर्म कहते हैं यहाँ पे, तो कौन सी बात हो रही है? यस प्रभु जी, हाँ वर्णाश्रम के हिसाब से जो विधि विधान के हिसाब से जो बराबर, हमें परफेक्ट धर्म करने के लिए बोला है। परफेक्ट, जोरदार तालियां आपके लिए। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी। तो धर्म स्वनुष्ठिता पुंसाम, धर्म यानी जो हमारे गुणों से आए हुए कर्म हैं, उन कर्मों को जब हम भगवान के समर्पित करते हुए करते हैं तो वो हो जाता है धर्म, या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करते हैं तो वो बन जाता है धर्म। तो यहाँ कहा गया है धर्म यानी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी स्वनुष्ठिता, अपने अपने जगह से जहां आप हो वहीं से उसको जब आप करते हो, पुंसाम मनुष्य के कल्याण के लिए। विश्वक्सेन कथा सुयहा, लेकिन अगर आप भगवान का चर्चा नहीं करते हो, भगवान के बारे में आप कुछ कथा नहीं करते हो, गुणगान नहीं सुनते हो, भगवान के बारे में पृच्छा नहीं करते कि भगवान कौन है, मुझे जानना है, ये सृष्टि किसने बनाई है, इतना सुंदर मनोरम्य विश्व किसने बनाया है, इतना सटीक विश्व किसने बनाया है, किसने बुद्धि दी है, ये कहाँ से आता है, अगर हम भगवान के बारे में नहीं जानना चाहते, सारा धर्म कर रहे हैं परंतु भगवान के बारे में पृच्छा नहीं कर रहे हैं, जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, नो न उत्पाद ये देती रतिम, यानी अगर हम उसके बाद भगवान के प्रति रति ही नहीं आ रही है, हमारा धर्म करके, धर्म धार्मिक कार्यों को करके अगर हमें रति ही नहीं आ रही है, रति यानी भगवान के प्रति आसक्ति, तो ऐसे कार्यों को श्रम एव ही केवलम, ऐसे कार्य केवल और केवल श्रम मात्र हैं। जैसे अगर कोई
प्राइड फील करता है कि मैंने मेरे बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया, घर बना दिया, अच्छा नौकरी करा दिया, अब सब लोग अच्छा अच्छा नौकरी कर रहे हैं, अब सब ठीक हो गया। तो इतना तक जिनका सोच है, तो इतने सोच में एक समस्या ये है कि इस सोच से आप बस उस, क्योंकि आपने ऐसा सोचा था पहले और वो हो गया, बस उतना ही खुशी मना सकते हैं। इसमें भगवान के प्रति कोई प्रीति है ही नहीं, भक्ति है ही नहीं, जो कलयुग के लोगों के लिए कल्याणकारी है। तो ऐसे व्यक्ति को जो उन्होंने कार्य किया भी है, यानी इतना मेहनत किया, रात को लेट सो के जल्दी सुबह उठ के अपना ऑफिस जाके या कोई बिजनेस का काम करके दर दर भटक के, हाँ मैं एक अभी एक डिवोटी को मिला जो व्यवसाय करते हैं, तो वो मुझे स्टेशन पे मिले तो एक ट्रॉली बैग लेके जा रहे थे। मैंने कहा तो महाराज आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं अभी मैं यहाँ से मुंबई जाऊँगा, फिर अमृतसर जाऊँगा, फिर वहाँ जाऊँगा, अगर मेरा वो डील हो गया तो मैं वहाँ जाऊँगा, डील नहीं हुआ तो वहाँ जाऊँगा। मैंने बोला आपका भी हमारी तरह ही है, यहाँ प्रोग्राम वहाँ प्रोग्राम। तो बोले हाँ प्रभु, लेकिन मेरा ऐसा है कि इतना करके भी घर पे शांति नहीं है। आपको जाके भी होटल में पैसा देके खाना खाना पड़ता है, लेकिन हम जहाँ जाते हैं वहाँ पहले से लोग 10 घर बुलाते हैं, हमारे आइए, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। अभी मुंबई में आया हूँ लेकिन मैंने ज्यादा लोगों को बताया नहीं, क्योंकि फिर वो हमारे यहाँ आइए, हमारे सब जगह जाना पड़ेगा, पेट एक ही है। तो अगर धर्म का कार्य कर भी रहे हैं, अगर आप अपने कर्मों को कर भी रहे हैं, परंतु आपने अपने जीवन के एंगल को भगवान के चरणों में समर्पित करने का प्रयास या भगवान के कथाओं को श्रवण करके उनके गुणों रूप लीला को समझने का प्रयास नहीं किया, तो उसको कहते हैं श्रम एव ही केवलम, मेहनत ही सिर्फ पानी में चला गया। और इसका परिणाम ये है कि जब आप अंत समय आएगा तो आपका मन खिन्न हो जाएगा। तो जो विद्वान है वो क्या करते हैं, ये धर्म को चलने दो और हम धर्म को करके जो हमारा शरीर और मन है वो शांत रहेगा, और उसके बाद हम हमारा चिंतन जो है भगवान में लगाएं। तो यहाँ पे कहा गया है, यहाँ उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं कि द स्पिरिट सोल्स नीड्स मस्ट बी फुलफिल्ड सिंपली बाय क्लींजिंग द केज ऑफ द बर्ड, वन डज नॉट सेटिस्फाई द बर्ड, वन मस्ट एक्चुअली नो द नीड्स ऑफ द बर्ड हिमसेल्फ। तो जैसे पिंजरे में तोता होता है, तो कोई आदमी जाके वो पिंजरे को पॉलिश पेपर से चमका दे, अच्छा कलर कर दे, सारा चीज कर दे और इतना चमका के रख दे और तोते को खाना ना दे, तो क्या बताइए उस पिंजरे का कोई शोभा है? नहीं है। तोता को खाना देना ज्यादा जरूरी है, और उसके ऊपर अगर आप चमका सके पिंजरे को तो अति उत्तम। लेकिन पहला काम है कि तोते को आप खाना दें। तो कई बार हम सब मेन काम छोड़ देते हैं, आत्मा को तुष्ट करने का कार्य छोड़ के हम इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, मन को तुष्ट करना चाहते हैं, और ये तुष्ट हो भी जाते हैं तो नए तुष्टीकरण के डिमांड रखते हैं, और अगर ये तुष्ट नहीं हुए तो ये परेशान करते रहते, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, चाहिए चाहिए चाहिए। छोटे बच्चे होते ना, वो रैम्बो सर्कस में जाते तो बोलते पापा ये चाहिए 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 चाहिए, फिर कहां तहां से चलो ले लो। आ क्या चाहिए, तो प्लास्टिक के खिलौने जो बाद में भी कोई काम के नहीं है, वो घर पे कचरे की तरह पड़ा रहता है, अब उसको फेंकने का भी मन नहीं करता। ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम है, हमको पता भी चल जाए कि ये कचरा है तो निकालने का मन नहीं करता, आसक्ति हो जाती कचरे से, हम इतने पागल है। कई बार आप देखिए दिवाली के समय या होली के समय या कोई पावन के समय हम सब अपना घर साफ करते हैं, तो जब घर साफ करते हैं तो जो ड्रॉअर वगैरह होता है ना लॉकर का, वो खोलते हैं तो अंदर में बहुत सारा खिला वीला छोटा छोटा चीज होता है, तो वो निकालते हैं और बाहर रखते हैं कि अब इसको फेंक देंगे, और जब फेंकने का समय आता है तो वापिस एक बार देखते हैं कहीं गलती से कुछ अच्छा चीज तो नहीं फेंका रहा है, बाद में देखते हैं एक एक करके वही चीज वापिस रखते, नहीं हो सकते बाद में काम आए, नहीं हो सकते बाद में काम आए, वापिस वही कचरा साफ सुथरा करके अंदर रख देते हैं। तो यहां समस्या ये है कि
देखिए जब मैं क्लास देता हूँ ना तो हर चीज पे कमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे मुझे वहां ध्यान जाता है। जब क्वेश्चन आंसर होगा तब प्लीज आप कमेंट करिए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं क्लास दे रहा हूँ आप वहां से कुछ कमेंट कर करके, आप ये पैरेलल क्लास हो रहा है मुझे दिखाई देता, पता नहीं बाकी लोग दिखाई देता है तो डिस्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे ये पिंजरे का उदाहरण दिया है, क्योंकि हमारा जो आत्मा है ये उस तोते की तरह है, और ये जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर और उसके अंदर मन का आवरण, ये दोनों आवरण कवरिंग्स की तरह हैं। तो हम इनको चमका लें, जैसे आदमी लोग होते हैं वो बाल ऐसा एकदम ना इधर से कट, इधर से लाइनिंग, इधर से ये, कुछ लोग ऐसा, कुछ लोग ऐसा रहता है, पता नहीं क्या क्या नया निकला है, सब अपना अपना स्टाइल मारते हैं, ब्रिल क्रीम लगाते हैं, अलग अलग क्या क्या पेस्ट वेस्ट लगा के रखते हैं। हाँ माताएं हैं तो उनको तो मतलब ऐसे ऐसे वाले बाल चाहिए थे तो वो रहेगा, आंख का वो काजल यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, ऐसा लगता है आंख यहाँ तक एक्सटेंड हो गया है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे शरीर को चमकाने में पूरी तरह से लगे हुए हैं, लेकिन और मन को भी तुष्ट करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। जहां हमारे मन को लगे कि ये खाना है हम चले जाते हैं, हमारे मन को लगा आज घूमने जाना है निकल जाते हैं, लेकिन हम कहीं भी आत्मा को तुष्ट करने वाला काम नहीं करते। एक राजा था, ये राजा क्या कहते हैं उसको, बड़ा ही भोगी टाइप था। तो एक साधु उसके पास गए और राजा को बोले, राजा ऐसा है कि, तो वो बोले देखो देखो आप ज्ञान दोगे फिर मुझे आत्म साक्षात्कार कराओगे, इससे अच्छा है आप क्या करो कि आप मुझे कोई सेवा दे दो मैं कर दूंगा। तो बोले ठीक है ऐसा करो, जब तुम्हारे अभी जीवन में, जब तुम्हारे कार्यकाल में एक मूर्ख व्यक्ति को खोजो और उसको डंडा देके पगार दो मेरी तरफ से। बोले हाँ ठीक है ये हम कर देंगे, और फिर उसको अंत समय में विदा दे देना, जब तुम चले जाओगे तुम्हारा अंत आएगा तो उसको उसका कार्य से उसको मुक्त कर देना। बोले ठीक है। तो इन्होंने एक पागल को खोजना चालू कर दिया, सबको बोला जाओ जो दुनिया में कोई पागल दिखे तो उठा के ले उसको नौकरी देना है। तो लाए लाए एक बंदा अपने ही अपने उस टहनी को काट रहा था जिसपे वो बैठा था, हाँ उसी को काट रहा था, तो उसी को काट रहा था उसी पे बैठा हो, तो बोला अरे ये तो पागल है पक्का पागल है। उसको उतारे राजा के पास ले गए, राजा ने उसको एक डंडा दिया, बोले देखो ये डंडा जो है मूर्ख, तुम आज से राज दरबार के मूर्ख ऑफिशियल मूर्ख हो, जिसे ये अब तुम्हें पगार भी मिलेगा। तो खुश हो जाता है वो, जाता है अपना, और फिर अंत समय आता है तो ये राजा सारी अपनी सारी सेवाओं को निवृत्त होना चाहता है, करते 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 वो पूछता है कि अरे वो पागल को लिया उसको भी निवृत्त करना है। पागल आता है बोलते महाराज क्या आप मुझे सेवा से बर्खास्त कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं वो ऐसा है कि अब मैं तुम्हारा सेवा जब तक मैं जीवित रहूंगा तभी रहेगा, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ जहां तुम नहीं आ सकते। तो बोले अरे ऐसा कौन सा जगह है जहां मैं नहीं आ सकता, आप चलिए मुझे लेके। तू पागल रहते तो बोले नहीं 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 तुम नहीं आ सकते। बोले ओ तो मतलब आप रानियों के साथ जा रहे हैं। बोले वहां रानियां भी नहीं आ सकती। अच्छा फिर शायद आप पूरा तिजोरी का पैसा लेके जा रहे हैं। बोलते वहां हम तिजोरी भी नहीं लेके जा सकते। हाँ तो फिर वो अपना डंडा जो है राजा को दे देता है, ये लो। बोले क्या, बोले ये महामूर्ख, मैं मूर्ख हूं आप महामूर्ख हो, आपने पूरा जिंदगी वो सब कमाया जो आप लेके भी नहीं जा सकते, तो आप महामूर्ख हो। बोलते हैं तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो। बोले मैं उन गुरु जी का शिष्य हूं जो केवल आपके उद्धार के लिए रखा था, अब तो आप समझ जाओ कि आपका ये सब जो इतना तामझाम आप आसक्ति लेके बैठे थे कोई काम का नहीं, क्योंकि हम काल के पर्दे के अंदर रहते हैं, हम जो कुछ भी सोचते हैं वो काल के अंदर सोच के भोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन काल शाश्वत है, तो हमें वो काल कब क्या पलट देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जो हमें आज बड़ा दिखाई दे रहा है वो कल छोटा दिखाई देता है। जैसे आप फ्लाइट में जाते हैं ना तो जमीन में रहते तो सब बड़े बड़े घर दिखते हैं, फ्लाइट में जाते तो पूरा शहर छोटा दिखता है आप गूगल मैप ऑन करके फ्लाइट मोड भी रखेंगे तो दिखता है वैसा आप कहाँ से जा रहे हो, और नीचे दिखता है वो शहर आ गया, लेकिन वो शहर
पूरा इतना बड़ा शहर इतना पॉइंट जैसा दिखता है, पूरा इतना बड़ा डैम इतना पॉइंट जैसा दिखता है। वैसे जितनी हमारी चेतना विकसित होगी उतना हमारा जो क्या कहते हैं उसको, इस छोटे छोटे चीजों के प्रति जो लगाव है, आसक्तियां हैं, ये हट जाएंगी। तो यहां कहा गया है धर्म स्वनुष्ठिता पुंसाम। तो अगर हम धर्म करते करते भगवान को ध्यान न दें, भगवान के सेवा में न लगें, तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि का वातावरण बना रहेगा। और इसलिए यहां कहा गया है कि द नीड ऑफ स्पिरिट सोल इज दैट ही वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ द लिमिटेड स्फीयर ऑफ मटेरियल बॉन्डेज। जैसे मछली है ना, मछली, और एक उदाहरण देते हैं, वो पानी के अंदर बहुत अच्छी रहती है, ऐसा जूम 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 घूमती है, लेकिन उस मछली को पानी के बाहर निकाल दो कैसे छटपटाती हो, थर 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 छटपटाती है। वैसे इस हमारा जो अस्तित्व है इस संसार में, हम आत्मा हैं और इस भौतिक शरीर में घूम रहे हैं, और हम छटपटा रहे हैं उस सुख को खोजने के लिए जो हमारा था। और इसलिए जो भी संसार में हमारे साथ होता है हमको आर्टिफिशियल लगता है। आपने देखा होगा कि हम मृत्यु नहीं चाहते, जब हमारा मौत आता है तो हम सब मृत्यु नहीं चाहते। मालूम है हम मृत्यु क्यों नहीं चाहते? कौन बताएगा? हम मृत्यु नहीं चाहते, इसका कारण क्या है? कोई मरना नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु हम इस मटेरियल वर्ल्ड को ही भोगना चाहते हैं। ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड को भोगना चाहते हैं। और कोई प्रभु जी, हम आत्मा है तो हो गया, हो गया। शाश्वत आत्मा का जो जवाब दिया ना उन्होंने दिया, और आप लोगों ने भी उसी में सही दिया। तो जो आत्मा है, हमारी भौतिक चीजों पे आसक्ति होता है। बराबर बराबर, एकदम सही कहा आपने। तो क्या है बता रहा हूं आपको, जैसे ये जो मेन आंसर है, बाकी सभी आंसर आपके बराबर हैं, आप लोग विद्वान हैं, लेकिन जो आत्मा है ना ये शाश्वत है। मुझे लगता है मारुति जी ने आंसर दिया था, आत्मा है जो है वो शाश्वत है। तो शाश्वत आत्मा जो है ना, इसको ये जो मृत्यु है ये अशाश्वत है। तो शाश्वत को अशाश्वत की जो फीलिंग है वो नकली लगती है। जैसे आप लड़का हो और आपको साड़ी पहना के लड़की बना दिया जाए स्टेज पे, तो बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है, समझ में नहीं आता क्या करना है। एक बार हम स्कूल में वो बने थे, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था, वो कुछ कंपलसरी था, तो टीचर ने बोला तुमने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, तुम्हें बनना है। तो मम्मी ने बोला क्या करना है, तो साड़ी पहना दी और सब्जी का टोकरी देकर सब्जी वाली बना दिया था। तो मेरे को बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, करना क्या है, टीचर ने बोला नहीं करते हो तो मार्क्स कम देंगे। चलो, तो ऑकवर्ड फील होता है जब आप कुछ नहीं हो और वो आपको करने बोला, तो ऑकवर्ड फील होता है। तो आप आत्मा हो और आपको मरने कहा जा रहा है, तो आपको ऑकवर्ड फील होगा ही होगा। आत्मा इसलिए संतुष्ट हो जाता है जो ही वो कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ जाता है, कैसे भी जुड़ जाए, किसी भी माध्यम से जुड़ जाए, डायरेक्ट जुड़े, इनडायरेक्ट जुड़े, सोच में जुड़े, मन से जुड़े, प्रसाद के माध्यम से जुड़े। आप देखिए कई लोग प्रसाद खा लेते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि शायद ये हमारा शाश्वत चीज था। जब मैं फर्स्ट टाइम जब प्रोग्राम में गया था, बहुत पहले पहले इस्कॉन के 2001 में, तो वहां ना प्रभुपाद का धुन बज रहा था, वो जो है ना द ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, हरे कृष्णा वो जो बज रहा था। तो वो जब प्रभुपाद गाते थे ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसा लगता था जैसे कैसे मैं इनका तो नहीं हूं, मैं इन्हीं का हूं, है ना, ऐसे एक फीलिंग आने लगता है। तो ये एक पावर है जो आपको नेचुरल चीजों से खींच लेती है। तो यहां कह रहे हैं कि देर इज अ डॉर्मेंट अफेक्शन फॉर गॉड विद इन एवरी वन। हम सबके अंदर भगवान के प्रति प्रेम जो है वो स्वाभाविक है। जैसे कोयला है ना, कोयला, उसके अंदर आग और हीट स्वाभाविक है, लेकिन उसके ऊपर जो राख जमा है ना उसको निकालना पड़ेगा। जैसे गांव में चूल्हा में लेडीज लोग ऐसा करके उसका राख निकालते हैं, तो बाद में आग और पकड़ता है। तो वैसे हमारे ऊपर अनर्थों का राख लगा हुआ है,
जब ये भक्ति करके ये राख हट जाएंगे तो ओरिजिनल चीज बाहर आ जाएगा, ओरिजिनल जो भगवान के प्रति प्रेम है वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ कहा गया है कि वो डोरमेंट है, और वो डोरमेंट और परमानेंट हमारे पास है, तो हमें उसे केवल वापिस फैन करके बाहर निकालना है। और वो कैसे होगा? दिस इज पॉसिबल ओनली बाय हियरिंग एंड चैंटिंग द डिवाइन एक्टिविटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड एनी ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी विच डज नॉट हेल्प वन टू अचीव अचीवमेंट अटैचमेंट फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग इज सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। द हैंकरिंग सोल मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द परफेक्ट साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ परफेक्ट डिवोशनल सर्विस। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम भगवान के गुणों का श्रवण करें और उनके नाम का कीर्तन करें। इसलिए आप देखिए प्रायः जो नाम कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, मन एकदम शांत हो जाता है, खुश हो जाता है, मन भी खुश, बुद्धि भी जो है वो शास्त्रों को समझ के भगवान के में जान के संतुष्ट हो जाता है, आत्मा तुष्ट हो जाती है, और इंद्रिय जो है वो संयम में अपने आप रहते हैं, आपको तकलीफ नहीं देते। तो ये पावर है। तो इसलिए ये श्लोक एक तरह से इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम सब धर्म में लगे भी हैं। एक तो पहली बात, हमारा जो जिस कलयुग में जन्म हुआ है यहाँ धर्म भी नहीं हो रहा है, हमारे नेचर से काम भी नहीं हो रहा है, जिसमें काम हो भी रहा है उसमें भगवान का नाम नहीं हो रहा है। तो हमें बस क्या करना है, जो काम हम कर रहे हैं उसको करते रहें और भगवान का नाम हम ऐड कर दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे पास 6 मिनट है, आप में से किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस आज प्रभु जी आज कीर्तन हो जाए, कीर्तन तो हो जाए, ये हो सकता है। माता जी रहेंगी? हाँ, कौन माता जी रहेंगी? नहीं, वो कल माता जी ने एक कीर्तन गाया था ना कन्नड़ में। हाँ गाया था, बराबर, बहुत बढ़िया था। आप भी कर सकते हैं प्रभु जी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। तो अच्छा लगता है इसलिए गाना है या आध्यात्मिक रूप से गाना है? नहीं, आध्यात्मिक रूप से। ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ प्लीज, एक अभी एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। आप में से कोई भजन गाना चाहता है? क्योंकि मैंने माता जी को तो आज बोला नहीं था, फिर भी अगर वो गाना चाहें एक स्पेशल भजन तो वो गा सकती हैं। आप में से और भी कोई भी अच्छा भजन गाना चाहते तो गा सकते हैं। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। क्या नाम? हाँ गाइए गाइए। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। शुभम कुमार, कितना लंबा गीत है? बस हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र नहीं, भजन गा रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र तो हम लोग गाएंगे ही। ठीक है ठीक है, वैसे वो ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, प्लीज आप लोग यहाँ मत करिए, मैं बोल दूंगा जिसको करना है। ठीक है, अभी फिर हिंदी। बोलिए, क्वेश्चन पूछिए। हाँ प्रभु जी, जैसे मेरे को 1 साल हो गया प्रभु जी जपा करते हैं, मैं झारखंड आया प्रभु जी। मैं जानता हूँ मैं आपको, इसलिए मैंने आपको ऐड किया। यस प्रभु जी। हाँ 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 प्रभु जी, तो वो मेरे को 1 साल हो गया जपा करते हुए। जी जी, 1 साल से ऊपर ही हो गया प्रभु जी। जी जी, तो दीक्षा वगैरह के लिए वही आना पड़ेगा या? वो ठीक है, वो आप हमको पर्सनली पूछिए। सवाल सिद्धांतिक सवाल है तो इधर पूछिए, कोई सिद्धांत का सवाल है। हाँ वो आप मेरे को फोन कर सकते हैं कभी कभी, तो इधर इस प्लेटफॉर्म पे पूछे क्योंकि रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे जाता है। ओके प्रभु, इधर वो पूछिए जो भागवत से या गीता से या सिद्धांत से। ठीक है, धर्म अध्यात्म से भी। हाँ यस प्रभु, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? यस प्रभु जी, कल हरे कृष्ण पूछो। हरे कृष्णा। हाँ ये कौन? हाँ क्या नाम है? मैं शुभम बोला हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, कल जैसे कि आपने प्रभु जी बताया था कि कुछ लोग जो ऑस्टेरिटी करते हैं वो मतलब खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, मतलब खुद को शो करना चाहते हैं। तो प्रभु जी, शो करना चाहते हैं, शो करना चाहते ऐसा नहीं है, लेकिन तपस्या जरूर करते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आराधितो हरि तपसा ततः किम, यदि न आराधितो हरि तपसा ततः किम। अगर तुम हरि की आराधना कर ही रहे हो तो फिर किस चीज की तपस्या कर रहे हो, और अगर हरि की आराधना कर ही नहीं रहे तो फिर काय को तपस्या कर रहे हो। तपस्या का उतना कोई वैल्यू है नहीं। तपस्या जो शास्त्रों में लिखा है उससे शुद्धिकरण होगा, जैसे उपास कहा गया, एकादशी को उपास करना चाहिए, कुछ हैं और भी विधि विधान है अलग अलग, तो उससे शुद्धिकरण होता है। अपने मन से किया गया तपस्या तो आसुरी है, लेकिन अगर शास्त्र युक्त तपस्या है तो आपको धीरे धीरे आपको डेवलप करवाती है, लेकिन भक्ति एक ही बार में आपको आगे लेके जाती है।
यस, आपका सवाल क्या है तो फिर? कि भक्त लोग भी तो फिर जैसे कि होता है गोवर्धन परिक्रमा या फिर ये भी एक तरीका से नहीं, वो स्ट्रेटिंग ही तपस्या होगा। नहीं है, वो तपस्या नहीं है, वो तो उनका प्रेम है गोवर्धन के प्रति, जो चल के जाते हैं, वो गिरिराज महाराज की जय बोल बोल के चलते रहते, उसमें क्या, भगवान ने खुद परिक्रमा किया था, बस अभी ग्वाल वालों ने किया था, अभी हम भक्त लोग जाके करते हैं। अब आपको 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 किसने कहा तपस्या करने, आपको पाँव में दर्द है तो ऑटो वाले होते हैं, 400 रुपये लेते हैं, तो सब 400 रुपये भी देख के लेकिन परिक्रमा, प्रभु ये भी भगवान कहा जाता है ना कि तपस्या करने से भक्ति भक्ति बढ़ती है। नहीं, तपस्या करने से हमारी जो इंद्रिय हैं ये संयम की आदत हो जाती है हमारे इंद्रियों को, तो भक्तिमय सेवा करने में हमारी तीव्रता बढ़ जाती है। अब बात समझिए, भक्ति यानी भगवान की कृपा वो अलग चीज है, और हम जब सेवा करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी जैसे मैं ब्रह्मचारी हूं, तो क्योंकि मैं ब्रह्मचारी तो मेरा आगे पीछे कुछ टेंशन नहीं, मेरे को जहाँ जो मेरे दिन में चार चार पांच पांच बड़े बड़े का सेवा हो रहते हैं वो सब कर लेता हूँ। कहीं कोई गृहस्थ है तो बेचारा वो साल में एक बार कुछ तो कर लेते, जैसे अभी कोई गृहस्थ है तो साल में एक बार यात्रा जा सकते हैं, मैं तो अभी यहाँ लेक्चर दिया, कल वहां यात्रा घुमा के लाया, परसों वहां चला गया, तो ऐसा रहता है। तो जब आप अपना समय बचाते हैं तो समय कहाँ खराब होता है, जैसे हमारी इंद्रिय बहुत कुछ डिमांड करते हैं, तो इंद्रिय डिमांड में कि हम चले जाएंगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाता है, लेकिन अगर आप इंद्रिय को संयम कर लें तो आप तीव्रता से भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए सुबह जल्दी उठना, हाँ सुबह सुबह जाप करके लेना, और जो भी सेवाएं हैं उसमें बिल्कुल आलसी नहीं होना, ये सब करेंगे तो अपने आप हमारी सेवा में तीव्रता बढ़ेगी, हमारा उत्साह बढ़ेगा, तो हमारी भक्तिमय कार्य में गति बढ़ेगी। इसलिए अगर वो तपस्या है तो कर लो, लेकिन अगर वो केवल तपस्या है ना, तो कोई काम का नहीं। प्रभु जी एक एक सवाल पूछू प्रभु? अरे प्रभु जी हाँ एक और क्वेश्चन है प्रभु जी, लास्ट बस एक और नहीं क्वेश्चन नहीं प्रभु नहीं जी। पूछे, इनको प्रभु पूछने दीजिए। मैं पूछू? नहीं, ये जो जिनका बच्चा है उनको पूछने दीजिए, फिर ठीक आप है पूछ ठीक है ठीक फिर है वो। ठीक हाँ है। बोलिए। जैसे कि मैं चैंटिंग जैसे करता हूँ कभी कभी तो बहुत मतलब फुल फोकस के साथ अटेंशन के साथ और खूब सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन फिर कभी कभी बहुत लगता है कि बहुत एनर्जी से अंदर से लो फील कर रहा हूँ, जबरदस्ती करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों होता है? ये शायद कल भी आपने पूछा था, शायद ये नहीं कल प्रभु भी जी पूछा कल था, नहीं थे, कल किसी ने तो पूछा था, आपको रोज क्लास अटेंड करी, ये मैं कल बताया क्वेश्चन का था। मौका ही नहीं मिला। नहीं क्वेश्चन का मौका नहीं, आंसर मैंने दिया है। ये ऐसा है कि एक बार आपने जप को लिया है तो जप आपका और भगवान के बीच का प्रीतिपूर्वक संबंध है, तो आपको जब भी आप जप करें तो भगवान को याद करते हो, हरे कृष्ण ज्यादा दुख में तो और ज्यादा याद आना चाहिए, ज्यादा कष्ट हो गया थक के भी आए तो भगवान को याद करिए। अब आपको वो अच्छा लग रहा है, सेटिस्फेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो आपका प्रॉब्लम है। सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तो भी भगवान के लिए करिए, जैसे हमारी माता है घर पे रोटी बना के हमको देती है, जब गर्मी होता है उनको पसीना होता है, गर्मी से उबलता है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए रोटी बना के देती है। तो वैसे ही हमको चाहे जप में आनंद आए न आए, हमें जप करते रहना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा ध्यान रखें कि कहीं हमारे तरफ से कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, किसी वैष्णव की निंदा तो नहीं हो रही है, तो उससे थोड़ा बच के रहिए। नाम अपराध है, 10 नाम अपराध हमें, आप लोग को किस दिन पढ़ूंगा मैं, तो 10 नाम अपराध से बचना चाहिए, तो उससे हमारा उत्साह जो है नाम में बढ़ेगा, अपराध हम ना करिए किसी का, वो बड़ा विषय है, वो हम डिटेल में तो बाद में कभी बताएंगे जी। और किसी का मेरा हरे कृष्ण प्रभु जी, जी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, सुनिए दंडवत प्रणाम। सुनिए सुनिए, ऐसा है देवानंद जी पूछ लीजिए, फिर विक्रम जी पूछे, फिर कमलेश्वरी जी माता जी पूछिए, तीन लोग लाइन में प्रभु पूछे। यस देवानंद जी बोलिए। जी मैं बहुत बार सुनता हूँ कि इस नदी में स्नान करने से वैकुंठ मिल जाता है, उस मंदिर के परिक्रमा करने से वैकुंठ मिल जाता है, तो अगर कोई इंसान गले तक पाप करे और एक बार परिक्रमा कर ले या फिर नदी में स्नान कर ले तो क्या उसे वैकुंठ मिल जाएगा? अगर उसने अज्ञानता में एक पाप किया है तो उसको वैकुंठ मिल जाएगा, अगर उसने जानबूझ के ये सोच के किया है कि मैं इतना पाप किया हूं अब जाके नदी में नहाऊंगा, तो नहीं मिलेगा, अच्छा, मतलब उनको मन में पश्चाताप होना चाहिए। पश्चाताप नहीं होना चाहिए, वो छोड़ देगा पाप। जीसस क्राइस्ट अच्छा। ने एक वेश्या थी मैरी मैगडलिन, जब उसको लोग मारने लगे पत्थर से पकड़ने जाने बाद, तो जीसस क्राइस्ट वहीं थे, तो लोगों ने पूछा जीसस को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि तुम में से जो कभी पाप नहीं किया है वो इसको पत्थर मार सकता है, तो सबने पत्थर नीचे कर दिया क्योंकि हर एक ने कहीं ना कहीं पाप किया था। फिर
फिर वो जो वेश्या थी वो भागते हुए जीसस के पास आई और उनके चरणों में गिर गया, आंखों से रो रही थी, और ये जो बाल हैं उससे उसके बाल उस पे आ गए थे। तो जीसस बोले, देखो तुम लोगों ने सिर्फ सवाल पूछा, इसने तो मेरा चरण अभिषेक करके मेरा चरण को पोछ भी दिया। तो वो उसके बाद उसने कहा कि मुझे आप अपने शरण में शिष्य बना लीजिए और आप अपना आदेश दीजिए। तब जीसस ने एक वाक्य बोला, जीसस ने कहा, ओ लेडी आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, बट सिन नो मोर, आगे कोई पाप मत करना। तो ये नहीं कि तुम्हारा पाप धुल गया आप वैकुंठ जाओगे तो अगला मर्डर चालू कर दिया, ऐसा नहीं है। वो आपका जो भाव है वो समर्पण का होना चाहिए। ये भी सवाल का जवाब मैंने पहले दिया था। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। विक्रम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जिस दिन से क्लास चालू है उस दिन से पूछना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। पूछिए, आज आपका नंबर लग गया। प्रभु जी, जैसे वो अपना प्रभुपाद लीलामृत का थोड़ा क्वेश्चन है। जब प्रभुपाद तो बचपन से ही मतलब वो वैष्णव फैमिली से थे और जब ही वो गए, जब जगन्नाथपुरी जब गए थे, तब उनको वहाँ पे जो जिनके घर पे रहते उनको वो नॉनवेज देते खाने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जो राधा माधव के सेवा करते थे, तो फिर उनके मन में ऐसे भाव कैसे नहीं आ रहा था कि ये इनको दे दे, ये खाए? ये तो खाए नहीं थे, फिर भी उनको मतलब कैसे उनको प्रभुपाद मतलब जब गए थे इधर पूरी जब गए थे, फिर तभी मतलब कैसे उनको मतलब बचपन से उनके कैसे मतलब भाव आ रहा था, ये पूछ रहा था मैं। मैं ये नहीं जानता कि आप कौन से पास टाइम के बारे में बोल रहे हो। श्रील प्रभुपाद जी जो हैं, इनको बचपन में एक बार कोई बीमारी हो गया था, छोटे थे तभी, तो वो इंग्लिश डॉक्टर लोग थे तो लोग बोले कि इनको चिकन का सूप पिलाओ। तो उनकी मम्मी रिलक्टेंट थी, पिताजी भी रिलक्टेंट थे, लेकिन उनका तबीयत बहुत खराब था। तो फिर भी फिर बहुत बोलने के बाद उन्होंने सिर्फ सूप थोड़ा सा निकाल के पिला रहे, तो प्रभुपाद इधर उधर करके फेंक दिए, प्रभुपाद लिए नहीं। ये मैं स्टोरी जानता हूँ, आप कौन सा स्टोरी बोल रहे मैं नहीं जानता। तो ठीक है, ऐसा है कि देखिए एक जन्म का होता नहीं, और प्रभुपाद जो है वो स्पेशली भगवान के भेजे हुए हम सबके उद्धार के लिए। तो अब इस विषय पे मैं इससे ज्यादा नहीं जानता। तो हम लोग अब इतना तो जैसे प्रभुपाद है, नहीं लिया अब मैं आपका सवाल इससे ज्यादा समझा नहीं हूँ। ठीक है, मुझे इतना ही समझ में आया। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, मैं वही बोल रहा था, ये बोल रहा था जैसे आप है ना, चलो नहीं, आप जहाँ एक जगह पहले खड़ा रहो, आप ऐसे नहीं तो भटको नहीं, तो खड़े रहो, मुझे पूछो, खड़े रहो, क्या हो रहा है? आप हिल रहे हो, आपका कैमरा हिल रहा है, ऐसे एक्शन हॉलीवुड का एक्शन मूवी लग रहा है। तो ठीक है, यस, आप सिर्फ सवाल करिए। ठीक है प्रभु जी, मैं थोड़ा पढ़ के फिर आपको पूछूंगा। हाँ ऐसा, क्यों प्रभुपाद जगन्नाथपुरी में ऐसा कुछ की नहीं थी मुझे याद। यस कमलेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि आप बताते हैं कि भगवान सच्चित आनंद है, प्रभु जी इसका अर्थ ही मुझे जानना है कि सच्चित आनंद। भगवान सत्य चित्त और आनंद का विग्रह माना गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कि सत मतलब शाश्वत, जो शाश्वत है, असत यानी जो शाश्वत नहीं है, रूप बदलते रहता है। तो भगवान सत्य है, शाश्वत है। सत चित्त, चित्त यानी जो सब कुछ जानते हैं, सारा ज्ञान की सारी शक्ति उनके पास, चित्त। आनंद यानी जो आत्मा का स्वभाव है वो है कि वो हमेशा ब्लिसफुल रहता है, उसको लादिनी शक्ति कहते हैं। तो उस लादिनी शक्ति के माध्यम से आत्मा जो है हमेशा ही आनंद रहता है। तो वैसे भगवान जो है वो तो आनंद के सागर हैं। तो सत चित्त आनंद विग्रह उनका रूप है। अनादिर आदिर गोविंद, वो इस काल से भी परे हैं, अनादि से भी पहले हैं। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण हैं। तो ये इसका अर्थ है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक सवाल और पूछ लो। पूछिए, अभी मौका मिला तो। प्रभु जी, जैसे हम लोग ये मंत्र बोलते हैं ना, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने, ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है।
और जब हम कहते हैं कि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी, मुझे प्रभु जी ये लास्ट वाली जो लाइन है उसका अर्थ समझना है कि पाश्चात्य देश तारिणी उसका नमस्ते, नमस्ते सरस्वती देवी, सरस्वती देवी यानी वो सरस्वती देवी मतलब ये हमारे सरस्वती माता नहीं है, ये है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो उनके गुरु थे, प्रभुपाद जी के गुरु का नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो सरस्वती देवी देव तो देवे, तो कुछ लोग सरस्वती देवे कहते हैं एक वर्ड लेके, कुछ लोग सारस्वती देवे कहते हैं, अगर आप उसको भी चतुर्थी बना दोगे तो वैसे भी बनता है, वो ग्रामर का विषय, वो कुछ बड़े विद्वान इस पे ज्यादा बता पाएंगे। पर नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी, कि आप गौर यानी चैतन्य महाप्रभु की वाणी को आपने प्रचार किया सरस्वती ठाकुर की आज्ञा पे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब पहली बार अभयचरण यानी प्रभुपाद जी को देखे तो बोले, ए तुम पढ़े लिखे हो, तुम क्यों नहीं जाते पाश्चात्य देश में और चैतन्य महाप्रभु की वाणी को दोहराते, जाओ। तो ये आज्ञा दिया था, गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष यानी अद्वैतवाद मायावाद का आपने खंडन किया, निर्विशेष शून्यवादी, शून्यवादी यानी बौद्धिक बुद्धिस्ट फिलोसफी है सब कुछ शून्य है, तो बोले इसका भी आपने खंडन किया, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे और पाश्चात्य देश का आपने उद्धार किया, ये उसका मंत्र का मतलब है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, बोलिए। जैसे अभी हमने आत्मा की बात की तो क्या देवी देवता के पास भी शरीर रहता है कोई? सर जी जी, जैसे हमारा मट्टी का शरीर है, देखिए हमारा जो शरीर है इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं जो भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में दिया हुआ है, भूमि रपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरे वच अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। तो ये 8 धातु जो हैं ये अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट होते हैं, जैसे अभी मेरा ये जो शरीर है इसमें अर्थ प्रधान है, पृथ्वी जो धातु है प्रधान है, अगर इसमें जल प्रधान हो जाएगा तो ये ऐसा नहीं ऐसा ऐसा होने लगेगा अगर इसमें वायु प्रधान हो जाएगा तो अलग रूप हो जाएगा, अगर उसमें आकाश प्रधान हो जाएगा अलग रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से देवी देवताओं का जो शरीर है इसको सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, सेलेस्टियल। तो देवी देवताओं का बॉडी जो है वो मोस्टली वायु आकाश और ये धातु का जो सुनहरा पार्ट है, जो जैसे गोल्ड भी सुनहरा है ना, अर्थ ही है वो, तो उसका जो वो सेलेस्टियल पार्ट है वो उनमें ज्यादा रहता है, फाइनर रहता है वहां। जैसे सिल्क में भी बहुत अलग अलग सिल्क होते हैं, लाइक एक होता है जो एक सिंपल सिल्क होता है, एक होता है फाइन सिल्क, एक होता है रिफाइंड परफेक्ट सिल्क। तो वैसे वो दिखता है जो जिसको कपड़े का अंदाज है जानता है कि कौन सा सिल्क है। हाँ, जैसे जूस होता है, हम लोग मैंगो जूस पीते हैं, जैसे मुंबई के स्टेशन पे मिलते हैं मैंगो जूस 20 रुपए, मैं बहुत खुश होता, अरे 20 रुपए का तो आम नहीं मिलता जूस दे रहा है, मैं पी लेता था, बाद में बोला अरे मैंगो जूस 20 में मिलता है, आम 30 में कैसे मिलता है? तो बोला नहीं, अरे उसमें पपाया का पल्प होता है और मैंगो का फ्लेवर होता है तो जैसे हम लोग पीते हैं रियल जूस, तो नाम रियल होता है लेकिन जूस रियल नहीं होता उसके अंदर। तो वैसे ही ये बीच में आवाज आ गया, तो वैसे ही हम सबको समझना चाहिए कि जो हमारा गोल्डन पार्ट है, जो सेलेस्टियल पार्ट है, वो देवताओं के पास है, तो देवताओं के पास वो शरीर होता है और हमारे पास ये है। जी अरे मैं कंफ्यूज हो गया था प्रभु जी, कि शिव जी ने जैसे कामदेव को भस्म कर दिया था, मैं समझा कि उनके पास बॉडी नहीं रहती तो फिर आत्मा कैसे भस्म? नहीं नहीं, इसलिए बॉडी रहता है ना। हाँ तो ठीक ठीक, तभी तो मैंने क्वेश्चन बॉडी का ही पूछा। ठीक, ये अभी कोई प्रभु जी हाथ ऊपर उठा रहे हैं प्लीज पूछे, ऋषिकेश क्या नाम है? एक एक हाँ, ये अभी जो दंडवत बोले इनको बोलने दीजिए। प्रभु जी मेरा एक सवाल था, तो जैसे हम चैंटिंग करते हो जो मंत्र हम कहते हैं, हाँ, उसका वाइब्रेशन क्या फील होते है? क्योंकि जब चैंटिंग करता हो तो जब राम का जब नाम आता है तो पूरे ऐसे बॉडी में जैसे
जैसे शंकर जी का नाम लो, राम जी का नाम लो, तो वाइब्रेशन बहुत आती है। ये देखो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। वो कहते हैं कि वो कौन सा श्लोक है कि नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद हृदयागिरा पुलकैर निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु दिन कब आएगा जब आपका नाम लूंगा मेरे रोंगटे खड़े होंगे, मेरे आंखों से आंसू आएगा, मेरा हृदय आपके प्रति पिघलेगा, कब आएगा? तो ये जो स्टेट है ना दो लोगों को आता है, एक जो बहुत नए हैं भोले भाले हैं वो नाम बहुत प्योर रूप से लेते हैं तो उनको ये आता है, एक है जो परमहंस है जो अनर्थ निवृत्ति का स्टेज पार करके पहुंचे हैं उन्हें ये स्टेज आता है। तो आप कौन से स्टेज में है तो मैं नहीं जानता, पर अगर ये हो रहा है तो बहुत अच्छा चिन्ह है। अच्छे से नाम लेते रहिए, वैष्णव की सेवा करते रहिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। और जब प्रभु जी आग बंद करके चैंटिंग जब करता हो तो ऐसा लगता है कि कोई मेरे अगल बगल में घूम रहा है या फिर आया है साइड में, ऐसा लगता भगवान है। कृष्ण, भगवान कृष्ण तो नाम, जब आप नाम लेते हो तो भगवान उधर ही तो रहते हैं। नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वत नाम नामिनः। कि भगवान का नाम और भगवान एक है, जो ही आप नाम लेते हो भगवान वही प्रकट होते हैं। तो आपके आगे पीछे कौन आ रहा है ये थोड़ा भगवान से फोन करके पूछ लो आप आ रहे हो कौन आ रहे हैं। एक बार भगवान आएंगे तो मन प्रसन्न होगा। जी प्रभु जी, एक बार स्वप्न भी सुबह सुबह स्वप्न आया था लेकिन मैं डर गया था, वो माता काली थी, कोई दिक्कत नहीं है, वो बोली होगी कि पिछली बार रूप रूप जो था वो देख के डर गया था। उन्होंने हाथ रख के बोला कि मेरे बच्चे चिंता मत कर, तू जो जिस मार्ग पे जा रहा है वो सही जा रहा है, बाकी सब ध्यान में रख लूंगी। और क्या चाहिए, देखो काली माता का आशीर्वाद और क्या चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारा समय ऑलरेडी प्लीज प्रभु आपने सवाल पूछ लिया, अभी 9:15 हो गया है, अभी कंपलसरी नहीं है कि मैंने पूछ लिया तो पूछते ही जाना है, 9:15 हो गया है, हम सब कल मिलेंगे। यस पूछ लीजिए आप। छोटा सा सवाल प्रभु जी, आत्मा का अंतिम उद्देश्य क्या है प्रभु जी? बस ये आप आज ज्वाइन किए, धीरे धीरे भागवतम सुनते रहिए, सब उद्देश्य उद्देश्य चल रहा है। ठीक है, हम लोग उसका भी चर्चा कर ही रहे हैं। कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण, जय हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम, हरे कृष्ण।